हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आप कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है, किस तरीके, शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दूंगा। देखिए, और साथ साथ में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बताऊंगा। तो तब तक ले बनी रहिए और देखिए हमारी वीडियो। सबसे पहला आपको टर्म याद रखना है इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट है क्या? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर आप पानी डालो तो वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे नमक के अंदर, नमक इज NaCl, NaCl वो तब तक है जब तक वो एनहाइड्रस है। जैसे ही उसमें आपने पानी डाला, मॉइस्चर आए, तो वो कन्वर्ट हो जाता है Na+ और Cl नेगेटिव के अंदर, वो NaCl नहीं रहता। मतलब इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप वाटर, मॉइस्चर आ जाए तो वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो विच डिसोसिएट इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस ऑन डाइल्यूशन बोल सकते हैं, पानी डालने को हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं, या फिर हाइड्रेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या? हाइड्रेशन एक ऐसी चीज जो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज मेरे पास HCl है, मेरे पास H2SO4 है, मेरे पास NaOH है, मेरे पास NaCl है, मेरे पास MgCl2 है, इसके अंदर पानी डालते हैं, ये एक्वस है। एक्वस का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। जब बहुत ज्यादा पानी को डालते हैं तो एक्वस मीडियम कहलाता है, मीडियम बना देता है वो। तो एक्वस इज एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, यहां भी डालते हैं एक्वस। एक्वस मीडियम, पानी बहुत सारा, इसको कहते हैं बहुत सारा पानी, एक्वस। तो ये अपने रेस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगा, ये होगा H+ एक्वस में, ये होगा Cl नेगेटिव एक्वस में, ये कितने, ये दो H+ आयंस में टूट जाएगा, बचेगा यहां पे SO4 पे 2 नेगेटिव आयन। क्लियर बेटा जी? यहां पे ये Na+ में टूट जाएगा एक्वस, ये आपका OH नेगेटिव आयन में टूट जाएगा एक्वस, ये आपका Na+ में टूट जाएगा एक्वस, प्लस दूसरा होगा Cl नेगेटिव एक्वस। क्लियर? ये आपका Mg2+ के अंदर टूट जाएगा, Mg2+ एक्वस प्लस 2 Cl नेगेटिव एक्वस के अंदर। क्लियर जी? तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। क्या हो गए? इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ये जो एक्वस है ना, ये जो एक्वस, इस एक्वस का मतलब देखिए, ये एक्वस H+ पे एक्वस है ना, इसका मतलब ये पूरे साइड से, चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है। सेम एक्वस का मतलब है इसने पानी ने पूरे साइड से, इनको पूरे चारों साइड से पानी ने घेर रखा है, या एक्वस का मतलब ये होता है। क्लियर? ये आपके इलेक्ट्रोलाइट, ये अपने रेस्पेक्टिव आयंस में टूट गए। HCl का रेस्पेक्टिव आयन ये रहे, इसके रेस्पेक्टिव आयन ये है, इसके रेस्पेक्टिव आयन ये रहे, इसके रेस्पेक्टिव आयन ये है, और इसके रेस्पेक्टिव आयन ये है। तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप पानी डालते हैं तो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। दो तरीके के बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है, दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट है। पहला, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दो तरीके के बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है। एक होता है आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और वीक आप पहचानेंगे कैसे कि ये वाला फलाना इज स्ट्रॉन्ग, फलाना इज वीक? तो आप पहचानेंगे इस तरीके से, पहले देख लेते हैं।
देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जिसमें अगर आप पानी डालेंगे तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, 100% मतलब जितना भी है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच हैज अ टेंडेंसी टू डिसोसिएट कंप्लीटली को हम बोल सकते हैं 100% इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, those electrolytes which dissociate partially or incompletely, dissociates partially या incompletely into their respective ions on dilution, hydrolysis या फिर हाइड्रेशन ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप पहचाने कैसे, देखिए दुनिया में करोड़ों खरबों अरबों इलेक्ट्रोलाइट्स है, आपको आप पूरे पक्के तरीके से कभी किसी इलेक्ट्रोलाइट को नहीं पहचान सकते कि भाई ये वाला स्ट्रॉन्ग है ये वाला वीक है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे आप 98% 99% एक्यूरेसी से पहचान सकते हैं कि ये वाला स्ट्रॉन्ग है ये वाला वीक है। तो कार्बन और फॉस्फोरस के जितने भी एसिड हैं सारे के सारे आपके होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। कार्बन और फॉस्फोरस के जितने भी एसिड है सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जस्ट लाइक देखिए कार्बन के कितने एसिड पड़े हैं, और ऑर्गेनिक के मिथनोइक एसिड, इथनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, इटीसी 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 चलते रहेंगे। और एक और कार्बन का एसिड है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपका क्या है वीक एसिड होता है, या फिर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं इसको। क्लियर। और फॉस्फोरस के भी काफी सारे एसिड्स हैं जो आपके वीक होते हैं। क्लियर। तो आप याद रखिए कार्बन और फॉस्फोरस के जितने भी एसिड है वो वीक है, रेस्ट ऑफ द आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन में ऐसी चीजें दे रखी होंगी जिससे आप पहचान लोगे कि वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट उस क्वेश्चन में जो दे रखा होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्लियर। तो पहले देखते हैं वीक के। सपोज मेरे पास सिरका है, सिरका विनेगर, इसमें डाल दिया एक्वस, तो ये तो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है CH3, ये है आपका मेन COOH का, जो H निकलता है उसका Ia निकलता है, क्योंकि हमें पता है एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस आयन लूज करते हैं वो एसिड होते हैं अकॉर्डिंग टू द अरिनियस। ब्रॉन्स एंड लॉरी भी है, उसके अलग कॉन्सेप्ट है, मैंने वीडियोस अपलोड कर लिए आप देख लीजिएगा जाके। ये है CH3COO- + H+, ये भी एक्वस में। क्लियर। ठीक। और देखिए सपोज प्रोपेनोइक एसिड हो गया, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, तो इसका ये वाला एच निकलेगा, क्या डालने पे एक्वस डालने, ये हो जाएगा CH3। और देखिए सपोज मैं कहता हूं उसके दिखाता हूं आपको, मैं फॉस्फोरस के S3PO2 S3PO4 पानी डालिए, पानी मतलब एक्वस, इस पे तीन है, इस पे तीन है, तीनों एच निकल जाएंगे,
ये 3H+ प्लस PO2 के 3 नेगेटिव एक्वस, ये 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव, ठीक है, 3 नेगेटिव, ये 3H+ निकल जाएंगे इन एक्वस प्लस PO4 3 नेगेटिव इन एक्वस, क्लियर। तो ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कैटेगरी होगी, कार्बन और फॉस्फोरस के जितने भी एसिड होंगे। अगर आपको देखना है तो एक और है, देखिए H2CO3, इसमें डालिए पानी एक्वस, तो 2H+ लूज कर देगा इन एक्वस प्लस CO3 2 नेगेटिव इन एक्वस, ये बन जाएगा आपका, क्लियर। ये भी वीक है। अब स्ट्रॉन्ग देखिए, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, NaCl हो गया, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कैटेगरी में आते हैं। देखिए जैसे HCl एक्वस, आपका NaOH, H2SO4, HNO3 बहुत है, ETC बहुत है, ठीक है, एक्वस, ये एक्वस एक्वस एक्वस, ये टूट जाएगा आपका H+ एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ये आपका Na+ एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, ये आपका 2H+ एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, ये H+ एक्वस प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस के अंदर। ऐसे आप पहचान जाएंगे कि ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ये वाला वीक है, क्लियर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट। कार्बन और फॉस्फोरस के जो जनरली एसिड्स होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कैटेगरी में आते हैं, और रेस्ट ऑफ द आप स्ट्रॉन्ग, क्लियर। तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट समझाया इसमें आने आपको। अब देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली होता क्या है कि एक इलेक्ट्रोलाइट कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, कितना परसेंट, हाईएस्ट परसेंटेज तो 100, अगर कोई भी चीज 100% डिसोसिएट होगी तो वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और 0% डिसोसिएट हुआ तो वो तो कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड तो डिसोसिएट होते ही नहीं। सपोज कहता हूं कि ये मेरे पास पानी की बॉटल है, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रॉ डाला और फूक मारी, फूक मारूंगा मतलब CO2 डालूंगा, CO2 डालते ही इसके अंदर पानी के अंदर बबल्स आ जाएंगे, मतलब CO2 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ इसलिए तो बबल्स आ गए इसके अंदर, जो इसका मतलब ये हुआ कि कोवेलेंट कंपाउंड पानी के अंदर डिसोसिएट नहीं होते, तो अपने आयंस में भी कन्वर्ट नहीं होंगे, ये ऑब्वियस है, क्लियर। देखिए टर्न है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज डिनोटेड बाय अल्फा, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा। तो इसको अगर आप उसे पूछा जाए कि डिफाइन द टर्म डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, तो आप बोलोगे परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट into their respective ions on hydrolysis hydration या फिर आप बोल सकते हैं dilution, ये होगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कहता हूं स्ट्रॉन्ग एक टेबल बना के देखते हैं कंपाउंड्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखिए, पहला कंपाउंड लेता हूं कोवेलेंट कंपाउंड। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं,
कि यहाँ हम बस कोवेलेंट कंपाउंड को लेके चल रहे हैं, फजान रूल नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्लियर, फजान रूल नहीं यूज करेंगे। वैसे आपको पता होगा फजान रूल क्या कहता है, कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, उसके अंदर सम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। उसने बहुत बखूबी उसको प्रूफ करके दिखाया था, लेकिन एक पूरे कोवेलेंट को कोवेलेंट मान के चल रहा हूं मैं, 100% मान के चल रहा हूं, ठीक है, एक आयनिक को 100% आयनिक मान के चल रहा हूं, क्लियर जी, या फिर इलेक्ट्रोलाइट मान के चल रहा हूं। दूसरा फिर है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखिए कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड तो डिसोसिएट होता ही नहीं है, तो उसका अल्फा कितना होगा, 0%, और परसेंट को आपको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड कर दीजिए, 1000 से, किससे, 1000 से, तो ये आपका हो जाएगा कितना, सॉरी 100 से, परसेंट, तो ये आपकी वैल्यू में भी जीरो हो जाएगा, परसेंट भी जीरो और वैल्यू में भी जीरो, क्लियर, परसेंट को आपको कन्वर्ट करना आता है वैल्यू के अंदर, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए आपको पता है ये 100% डिसोसिएट होता है, तो 100% डिसोसिएट होगा तो वैल्यू में अगर आप लेंगे इसको तो 100/100 ये कट जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, स्ट्रॉन्ग के लिए 1, ठीक है, सबसे कम अल्फा की वैल्यू 0 होगी जो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए होगी, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम 1 होगी, 1 से ऊपर आपका अल्फा कभी नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी चीज 100 से ऊपर डिसोसिएट नहीं होती, क्लियर। अच्छा अब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कोवेलेंट से ज्यादा डिसोसिएट होंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कम होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, तो ये जो होगा ये लाई करेगा, ये बेसिकली लाई करेगा आपका ये 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा, क्लियर, अल्फा इसके लिए, क्लियर। तो आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस ऑन हाइड्रोलिसिस डाइल्यूशन, ठीक है जी, क्लियर, नोट कर लीजिए इसको पूरा प्रॉपर, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए टेक केयर।